हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ओके, हमने देखा था कि कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और इसके बारे में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, उसके बारे में हमने देखा था। तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर एक्सरे सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और उनको अगर किसी ग्रेफाइट ब्लॉक पर अगर टक्कर करवाई जाए तो दो तरीके के एक्सरेज में ये डिवाइड हो जाता है। एक एक्सरे होती है जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ के इक्वल होती है ना, ये तो पहली वाली हो गई। नंबर दो होती है जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट जो वेवलेंथ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में क्लासिकल फिजिक्स इसको बताने में फेल हो गई थी, तो आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉम्पटन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स तक का काम हम कर चुके थे, ठीक है। आगे का देखें हाँ कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई बहुत ही ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, ठीक है। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को या मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्वांटम इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो भी आप यही करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स ने इस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने ये कहा, क्वांटम फिजिक्स ने ये कहा, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये चीज़ क्लियर हुई कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड मतलब ढीले बंधे हुए हैं, जिनमें यानी कि जिनके न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के कम आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, जिनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे वाले एटम्स के लिए बताया था, ठीक है। अब उन्हीं के लिए क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्पटन इफेक्ट होता तो स्ट्रांगली बाउंड में भी है, लेकिन वो जो है वो कम प्रेक्षित होता है, मतलब नेग्लिजिबल कॉम्पटन इफेक्ट शो होता है किसमें, स्ट्रांगली बाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उन एटम्स में, लेकिन लूजली बाउंड में आप साफ साफ तौर पर कॉम्पटन इफेक्ट देख सकते हो। इसलिए बेसिकली ये कहा जाता है कि वो वाले परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, या फिर शिथिल बंधे हुए होते हैं, या फिर लूजली बाउंड होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो मैं बता देती हूँ आपको, फॉर दी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू दी एटम्स, उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि अगर आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दोगे, यानी कि उनको एनर्जी दोगे आप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को क्या कर लेगा, चाहे वो एक्सरे हो चाहे किसी और तरीके से उसको एनर्जी मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यानी कि जब क्या होगी, इंटरेक्शन होगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन उन सारी की सारी ऊर्जा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित हो जाएगा मतलब एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड होने की वजह से वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब कोई भी एक्सरे किस पर आके गिरेगी, इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, तो इस एक्सरे को ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पूरी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इस एक्सरे को यानी कि इस एनर्जी को उसने फोटोन एनर्जी के रूप में क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और सारी की सारी एनर्जी किसके पास आ गई, इस इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। ड्यू टू दिस एनर्जी और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस फोटोन एनर्जी, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्साइटेड स्टेट,
यानी कि ये अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि फोटोन को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आगे जाकर के क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी को फोटोन के रूप में निकालेगा और बाकी का सारा रिकॉयल हो जाएगा। रिकॉयल हो जाएगा मतलब प्रकीर्णित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स ने तो ये कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सरे के साथ इंटरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके बाद जो एनर्जी निकालता है या प्रोड्यूस करता है वो सारी की सारी एनर्जी एक्सरे की एनर्जी के वेवलेंथ के इक्वल होगी। मतलब उसने ये वाली थ्योरी नहीं दी थी जो क्वांटम फिजिक्स दे रही है, बट क्वांटम फिजिक्स का कह रही है कि जब देर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरे, देन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन एंड दिस विल कम्स इनटू अ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन विल एमिट दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी, एंड जो बचा हुई एनर्जी है उसकी फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, रिकॉयल हो जाएगा। मतलब दो पार्ट हो गए, एक तो वो फोटोन के रूप में उसने एनर्जी निकाल दी और बाकी की जो एनर्जी बची उससे वो खुद रिकॉयल हो गया। रिकॉयल हो गया मतलब मुड़ गया, समझ में आ गई बात। अब ये जो फोटोन निकला, इस फोटोन की जो एनर्जी अपन नापते हैं वो इस एनर्जी से, यानी कि ये जो फोटोन था एक्सरे फोटोन, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम मिलती है, समझ में आ गई भाई। अगर ये सारी की सारी एनर्जी फोटोन की फॉर्म में ही निकालता तो फिर ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिकॉयल करने के लिए नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को लेकर के इधर आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहां जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी इस इंसिडेंट फोटोन से कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी, E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, एनर्जी कम होगी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो कुछ एनर्जी तो इधर चली जाती है, बाकी की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन जो उसके पास शुरू से ही एनर्जी थी वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, समझ में आ गई। इसलिए इसकी वेव लेंथ तो इंसिडेंट के बराबर ही होती है, और एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी एनर्जी इस वाले फोटोन से थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से वेव लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई। तो हुआ क्या, ये एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इन फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी। ड्यू टू दिस फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यानी कि उत्तेजित हो गया, और बाद में उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फोटोन के रूप में ऊर्जा को प्रकीर्णित किया और खुद प्रतिक्षिप्त हो गया, यानी कि रिकॉयल हो गया, यानी कि मुड़ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अगर हम इस फोटोन की एनर्जी को मापते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कुछ कम है, और जब एनर्जी कम होगी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब लैम्डा ज़्यादा होगा। तो ये रीज़न दिया क्वांटम फिजिक्स ने कि क्यों हमें दो तरीके के वेव मिलती है, और दोनों ही वेव्स की जो एनर्जी होती है उनमें डिफरेंस होता है, दोनों की वेवलेंथ में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक की तो इंसिडेंट फोटोन के वेवलेंथ के इक्वल आती है, और एक की वेवलेंथ कुछ बड़ी हुई होती है। वेवलेंथ बड़ी हुई होती है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है दैट मीन्स एनर्जी कम होती है। समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी है, ठीक है। चले तो ये तो था एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखें, फॉर द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स, इफ, मैं आगे लिख रही हूँ, इफ देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन, देन दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स होल एनर्जी in form of photon energy, क्योंकि सारी की सारी quantum physics photon पर ही तो based है भाई, photon energy, and reaches in excited state, ठीक है, then this excited electron will emit the energy in form of photon, will emit some energy, है ना, इसको आप करेक्ट करना, will emit some energy in form of photon and recoils, ठीक है।
रिकॉइल्स. दिस इज द रीजन why आप इसको ऐसे लिखें, दिस इज द रीजन why रिकॉइल फोटोन्स एनर्जी इज लेस देन द इंसिडेंट फोटोन. यानी कि ये जो रिकॉइल फोटोन है इसकी एनर्जी कम होती है किससे, इंसिडेंट फोटोन से. ठीक है, दिस इज द रीजन वाई रिकॉइल फोटोन्स एनर्जी इज लेस देन द इंसिडेंट फोटोन एंड दिस मीन्स वेव लेंथ इज ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन. समझ में आ गई बात आपको? तो हमने, मैंने इन दो पैराग्राफ में क्या बात कही कि अगर वो वाले एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन शिथिल बंधे हुए होते हैं उनमें यदि एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन इस सारी की सारी एनर्जी को फोटोन एनर्जी के रूप में ग्रहण कर लेता है या अवशोषित कर लेता है और उत्तेजित अवस्था में आ जाता है. ठीक है, फिर ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करके रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है रिकॉइल हो जाता है, मतलब प्रतिक्षिप्त हो जाता है. रिकॉइल का मतलब प्रतिक्षिप्त हो जाना, यानी कि मुड़ जाना, अपने किसी एंगल से मुड़ जाना. ठीक है, मैं इसका पूरा एक सेटल्ड डायग्राम बनाऊंगी अभी. ठीक है, अभी केवल थ्योरी की बात हो रही है. इसके बाद ये क्या कहता है कि यही कारण है कि रिकॉइल फोटोन यानी कि प्रतिक्षिप्त जो फोटोन है उसकी एनर्जी आपाती फोटोन की एनर्जी से कम होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य इंसिडेंट यानी कि आपाती फोटोन की तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा होती है. बात समझ में आ गई? अब आप इसका सेटल्ड डायग्राम देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, देखें, सपोज करें ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है, ये तो क्या है मेरे पास, इंसिडेंट फोटोन. समझ में आ गई? अब इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया और फिर इसकी ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को निकाल कर, ठीक है, खुद किसी डायरेक्शन में यानी कि इस वाली डायरेक्शन से किसी एंगल में क्या हो गया, रिकॉइल हो गया. ये इलेक्ट्रॉन खुद यहां पर आ गया. समझ में आ गई? इसको हम क्या कहेंगे, ये है स्कैटर्ड फोटोन. ये क्या है, स्कैटर्ड फोटोन. और ये क्या है, ये है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आ गई? तो इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को स्कैटर्ड किया फोटोन के फॉर्म में और इस पर्टिकुलर इससे किसी एंगल पर ही इसने स्कैटर किया और खुद इस डायरेक्शन से किसी एंगल पर रिकॉइल हो गया. अब वो एंगल कितने कितने हैं वो मैं बता देती हूँ, है ना. सपोज कर लें आप, ये एंगल फाई पर स्कैटर हुआ है और ये एंगल थीटा पर रिकॉइल हुआ है. तो ये सेटल्ड डायग्राम है, एक्चुअली हुआ ऐसे. ये तो मैंने आपको एक रफली बताया कि ये सिस्टम हुआ था, ये काम हुआ था. ठीक है, जिसको इसको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है. आप तो ये थ्योरी लिखेंगे उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाएंगे. बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप ये देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए. इंसिडेंट फोटोन है, उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी और कुछ ना कुछ उसका मोमेंटम होगा. ठीक है, क्योंकि हमें डेरिवेशन कंटिन्यू करना है आगे. तो अगर आपको ये थोड़ी समझ में आ गई है, तो अगर नहीं भी आई है तो आप रिप्ले करें और बार बार इस चीज़ को सुने, समझ में आ जाएगा. सिंपल सी चीज़ है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, अब इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी, फोटोन. अब अच्छा, फोटोन के बारे में बता दूं, फोटोन एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है. यानी कि फोटोन का ना तो कुछ चार्ज होता है और ना ही कुछ मास होता है. समझ में आ गई? फोटोन की एनर्जी को हम किससे बताते हैं, एच न्यू से. तो हमने माना कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू. ठीक है, ओके. अब इसका जो मोमेंटम है, आप मुझे बताना कि अगर फोटोन एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है तो उसके लिए मोमेंटम कितना होगा. क्योंकि आप सेकेंड ईयर पढ़ के आ चुके हो, है ना, आपने एग्जाम ही नहीं दिया बट पढ़े तो हो आपने. आपको मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स में बताया था, फोटोन आया था वहाँ पर और वहाँ पर मैंने बताया था कि फोटोन का मोमेंटम कितना होगा.
ठीक है, और वहाँ पे आपने एक आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं हिंट भी दे रही हूँ आपको, तो आप मेरे को बताना कि ये मोमेंटम कितना होगा इंसिडेंट फोटोन का, कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है। ये स्कैटर्ड फोटोन है, इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी यानी कि प्रकीर्णित होने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू डैश, भाई इतनी तो नहीं रहेगी ना, है ना, क्योंकि इसने एच न्यू की एच न्यू एनर्जी थोड़ी ना स्कैटर कर दी, कुछ एनर्जी जो है वो कम हो गई है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू डैश बताई है यहाँ पे, एच न्यू डैश, ठीक है। अगर आप P1 बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि P2 कितना होगा, ठीक है, तो इसको इन दोनों को मैं कल भरूंगी कि ये कितना होगा, ठीक है। अब रही बात इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये रेस्ट पोजीशन में है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्थिर है, तो E = इसकी एनर्जी कितनी होगी, mc², ये आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें बात कर रही हूँ आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन में, वो जिसमें मोमेंटम भी आता है, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, इसका अब क्योंकि ये एक जगह पर स्टेबल रखा हुआ है इसलिए इसका संवेग यानी कि मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में, ठीक है। रिकॉइल होने के बाद इसकी एनर्जी कुछ और होगी, है ना, और इसका मोमेंटम कुछ और होगा, तो मैंने उनको डैश से शो कर दिया, ठीक है। एनर्जी और मास कितने कितने होंगे, ये जो एनर्जी है ये तो इतनी ही होगी mc². अच्छा, एक चीज़ mc² क्यों होगी भाई, जब ये रेस्ट पोजीशन में है तो हम इसका मास वो वाला लेंगे ना, आपको याद हो तो रेस्ट मास आपने दो तरीके के मास पढ़े हैं लास्ट क्लास में, रेस्ट मास और मूविंग मास। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है तो हम यहाँ पे m0 काम में लेंगे, जब ये मूविंग पोजीशन में आ गया तो मास कितना होगा m, ठीक है। मोमेंटम कितना होगा, अब तो कुछ मोमेंटम आ जाएगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ गई, तो इसका मोमेंटम होगा mv, ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो, ठीक है। आपका काम क्या है, P1 P2 पता करना, अगर आपको P1 पता चल गया तो P2 पता चल जाएगा, यानी आपको पता करना है कि फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिलअप करूंगी और इसके आगे का डेरिवेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वांटम इफेक्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हमने वो देख लिया, और इसका क्या सेटल्ड डायग्राम है, प्रैक्टिकल डायग्राम क्या है एक्सपेरिमेंटल, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम है, ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम, जिनको मैंने E1, P1, E2, P2 से शो किया है, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी और मोमेंटम है, और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी और मोमेंटम है, जिनको मैंने EP और E-P' से शो किया है। तो उसको शांति से ठंडे दिमाग से इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।